आज के हमारी इस फॉर्मूले की क्लास में हम बात करेंगे रेफरेंसेस फॉर्मूले की। लुकअप एंड रेफरेंसेस में से हम रेफरेंसेस फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा यूजफुल है। सिंगल नहीं, किसी और के साथ लगने के बाद अच्छा खासा यूज हो जाता है। जैसे सबसे पहला हम बात करते हैं एड्रेस की। तो एड्रेस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपके पास रो नंबर, यहाँ पे रो नंबर वन है, ए टू है, कॉलम नंबर मान लीजिए मेरे पास फाइव है, तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, मतलब कि वन टू थ्री फोर फाइव और फाइव के बाद ये आपका टू, ई टू बनेगा, राइट सर। तो ई टू जो है कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम एड्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे। एड्रेस हम इसको सिलेक्ट करेंगे, रो नंबर को कॉमा कॉलम नंबर को, फिर एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका ई टू आ गया। या फिर मैं यहां पे वन एंड वन कर दूं तो आपका ए वन आ जाएगा। पर प्रॉब्लम है कि ए वन का एड्रेस आ रहा है, मुझे ए वन की वैल्यू चाहिए 265, तो कैसे होगा। देखिए ये जो ए वन आया वो टेक्स्ट में आया, जो हम लोग यहां पे अगर इक्वल ए वन लिखते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इसी को इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम लिख दें तो टेक्स्ट हो जाता है ना, तो ए वन ही शो करेगा ना आपको सर। राइट राइट, डाउट इसमें नहीं? तो इसी चीज को हमारे पास एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है 265। इसने एक सिस्टम को बताया कि ये जो ए वन है, ए वन एक्चुअली में कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई नाम नहीं है, ये एक सेल का एड्रेस है, ढूंढो। उसने सेल का एड्रेस को ढूंढा और उसकी वैल्यू यहां पे दे दी। समझ में आया सर आपको? एड्रेस दोबारा बताना पड़ेगा सर। एड्रेस, एड्रेस फॉर्मूला में आप रो नंबर एंड कॉलम नंबर डाले, ठीक है, एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा। अब बात करते हैं इसका यूज क्या है। नहीं सर उसी पे चाहिए, लेकिन वो ए वन का वैल्यू, मतलब ए वन आया, लेकिन ये हम कॉलम सी थ्री और डी थ्री का ले रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू एड्रेस सी थ्री वन है, डी थ्री वन है, करेक्ट। वन एंड वन मतलब ए वन, पहला रो पहला कॉलम, ओके, और वहां पे उसका वैल्यू करके इनडायरेक्ट हो गया। ओके ठीक है, डन। चलिए अब इसकी एक एग्जांपल के लिए एक हम एक डेटा बनाते हैं। एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं डेटा कंप्लीट करता हूं। तो यहां हम छोटा सा डेटा, जैसे कि नेम यहां देते हैं, नेम में यहां हम देते हैं पूजा, कुछ नेम ऐसे लिख देते हैं, और मैं यहां पे देता हूं मान सका। ठीक है, नेम एंड मंथ,
इसके बाद इसमें हम दे देते हैं वैल्यू। हमने एक छोटा सा डेटा बनाया हुआ, राइट? ओके, अब मुझे जो रिपोर्ट चाहिए, डेट चाहिए मुझे, एक क्वार्टरली चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे पूजा लिखा और यहाँ पे क्वार्टर वन लिखा, मतलब कि यहाँ नेम है और यहाँ क्वार्टर, और यहाँ पे क्वार्टर में हमने वन दे दिया, राइट? करेक्ट। तो यहाँ पूरा जैन फैब मार्च का टोटल करके 241 यहाँ पे दे दे, राइट? इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है सर, क्योंकि एक कॉलम का टोटल किया जा सकता है लेकिन कई सारे कॉलम का टोटल नहीं किया जा सकता है, समीप और बाकी फॉर्मूले सर। ठीक है, तो क्या इसके ट्रिक करते हैं, तो हमारे पास चूज का फॉर्मूला होता है, चूज मतलब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे वन लिखूं तो यहाँ पे जैन आ जाए, तो मुझे यहाँ पे अप्रैल लिखा है, राइट? ओके, अगर मैं यहाँ पे थ्री लिखूं तो ये क्या करे, हर मंथ का, हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ यहाँ शो होना चाहिए, हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चूज का फॉर्मूला लगाते हैं, हालांकि इफ भी लगा सकते हैं लेकिन इफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम यहाँ पे चूज लगाते हैं, चूज सिंपल है। अब यहाँ पे वन आएगा जैन शो कर देगा, टू आएगा अप्रैल शो करेगा, थ्री आएगा तो जुलाई शो करेगा, और फोर आएगा तो अक्टूबर शो करेगा। तो ये चूज काम कैसे करता है बता देता हूं। देखिए हमने यहाँ पे सिक्वेंसली रिजल्ट दे दिए हैं। ओके। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा, जैसे वन आएगा तो इसको पिक करेगा, टू आएगा तो इसको पिक करेगा, थ्री आएगा तो इसको पिक करेगा, फोर आएगा तो इसको पिक करेगा। मतलब इसमें हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ B12 इक्वल टू वन हो तो जैन दे, B12 इक्वल टू टू है तो अप्रैल दे। ऑटोमेटिकली फॉर्मूला का फंक्शन ऐसा है कि B12 में जो नंबर होगा उसी नंबर से वो अपने इनपुट को फाइंड आउट कर लेगा। ओके, ठीक है। तो ये आ गया हमारे जैन जुलाई आ गया, नंबर चेंज करेंगे तो, हाँ बिल्कुल नंबर चेंज करेंगे। अब हमारे पास मेकअप कैटेगरी के दो फॉर्म, एक फॉर्मूले होते हैं मैच का। मैच फॉर्मूला किसी सेल वैल्यू को, मतलब कि पूजा को, एक रो या कॉलम में सर्च करता है एग्जैक्ट और बताता है कि पूजा अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल okay. है तो उसका रो नंबर, तो इसने रो नंबर में बताया वन एंड टू बता देगा, तू बता दिया हाँ, A2 बता दिया, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि मैच रो एंड कॉलम में पड़ता है तो मैं एक और मैच यहां लगाता हूं, मैच रो और हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। तो इसने जैन का कॉलम नंबर बता दिया कि 2 है, 1 एंड 2। अगर मैं मान लीजिए 2 कर देता हूं यहां पे तो अप्रैल का कॉलम नंबर 5 बता दिया। अब मुझे यहां पे एड्रेस चाहिए, तो यहां हम एड्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे, इस रो नंबर और कॉलम नंबर को लेके हमारा एड्रेस बन गया B2। तो मतलब कि क्वार्टर वन का जो सेल B2 से स्टार्ट है। आप कहां तक है तो हम जानते हैं कि 3 होते हैं तो 3 तीसरे कॉलम तक ही होगा। तो मैं एक बार और एड्रेस का फॉर्मूला बनाता हूं और इस बार जो कॉलम नंबर है उसमें +2 कर देता हूं। ओके, तो +2 करते क्या हो जाएगा, वो D2 का आएगा इसका, ठीक है, ठीक है। D2 से D2,
अब देखिए क्या है कि हम लोग सम का फॉर्मूला लगाएंगे और B2 से D2 करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा ना सर। देखिए हमारा तो अलग अलग सेल में, तो हम क्या करेंगे इसको कंबाइन करेंगे, बी इसके साथ सेमी कॉलन लगा के हम कंबाइन करेंगे B2 से D2 कुछ इस तरह से, ठीक है सर। ठीक है, अब मैं इसको इक्वल सम के अंदर डालेंगे तो रिजल्ट जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है जीरो? इनडायरेक्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ए सम ने इसको कंसीडर ही नहीं किया कि एड्रेस है, इसको सेल वैल्यू कंसीडर किया। इनडायरेक्ट फॉर्मूला जो लगाएंगे तब रिजल्ट जो आएगा जीरो आया। एक मिनट, B2 से D2 अब सॉरी, ठीक है सेल एड्रेस में डॉलर लगा के फ्रिज कर देता है ऑटोमेटिक। फ्रिज पता नहीं क्यों आता है, फ्रिज ऑटोमेटिक आता है, उस समय कोई फर्क भी थोड़ी है क्योंकि ड्रैग फ्री होगा, ड्रैग होगा D2 थ्री C2 थोड़ी आएगा। ठीक है ना, तो समझ में आया आपको कंसेप्ट? हाँ समझ में आया, कॉम्प्लिकेटेड है काफी, पता नहीं कहाँ यूज करते हैं बट है, ट्विस्टेड है काफी, मतलब घुमाओ फिराओ। हाँ तो इसमें देखिए अभी हमने, हमें अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने चूज फॉर्मूले को समझ लिए, चूज चूज बिल्कुल समझ गया, हमने मैच को समझ लिया, मैच क्या है, करेक्ट करेक्ट समझ गया। उसके बाद हम एड्रेस फॉर्मूले को भी समझ चुके हैं। हाँ, उसका एड्रेस फाइंड किया, कंबाइन किया, फिर इनडायरेक्ट में सब। अबे ये जो फॉर्मूला इतना लंबा चौड़ा है, अब इसको चलिए मर्ज करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले चूज फॉर्मूले को लेंगे, कहाँ डालेंगे, मैच के अंदर डाल दिया, मैच के अंदर। उसके बाद यहाँ इसके इस मैच के अंदर नहीं डालना, माफ कीजिए, मैंने यहाँ पे मैच के अंदर डाल दिया। चलिए अब इस अभी चूज को हम डिलीट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब इस जो मैच है रो नंबर वाला जो मैच है उसको कॉपी करता हूं और यहाँ B13 में पेस्ट कर दिया। अब B13 आपका यहाँ भी है, इसमें भी है B13, तो इसमें ही पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। अब वापस इस मैच को आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और ये आपका 12 B12 के अंदर हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ भी हमारा B12 है, इसमें मैं पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, राइट। अब C12 को फॉर्मूला जो कंबाइंड फॉर्मूला है इसको कॉपी करते हैं पूरा फॉर्मूला को और जहां यहाँ पे C13 है ना, सॉरी C13 के जगह पे ब्रैकेट के अंदर हम इसका फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं और D13 का भी सेम। कॉपी किया और D13 के अंदर हम D13 का फॉर्मूला पेस्ट करते हैं, हम इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं, करेक्ट। अब मैं पूरा फॉर्मूला एड्रेस का उठाऊंगा और यहां इनडायरेक्ट के E13 में पेस्ट कर दूंगा, कट किया, कट किया और जहां ले जाना है वहां पे ले जाके पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये लंबा, देखिए चीजें इसे बता रहा हूं कि आप ऑफिस में इसी तरह के फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपके ऑफिस की हर एक प्रॉब्लम के लिए आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल हो, ये 99% चांस है। एग्जांपल बताने के पीछे मेरा रीजन ही यही है क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको मैंने क्रिएट किया अब इसके लिए एक समय कोई फॉर्मूला अवेलेबल ही नहीं। okay. तो हमने क्या किया कि कई कई सारे फॉर्मूले को आपस में कंबाइन किया, एक कंबाइन फॉर्मूला बना लिया। सेम उसी तरह से आपको केक नहीं खाना है, आपको पिज्जा की डिमांड है, लेकिन पिज्जा है ही नहीं आपके यहाँ, लेकिन पिज्जा बनाने का सारा सामान है तो आपको पिज्जा बना लेना है, अवन आपके पास है ही, ब्रेड आपके पास है ही, सब कुछ है ही आपके पास, चीज आपके पास है, सॉस आपके पास है, यू कैन मेक इट।
बस मैं पिज्जा का नाम से ले रहा हूँ कि नाश्ता नहीं किया हूँ सर, सही बात है। पेट से आवाज आ रही है कि कुछ खा लो कुछ खा लो, तो सर पिज्जा के नाम ले लिए, थोड़ा सा आवाज और बढ़ जाए। तो समझ बिल्कुल में आ गया आपको? हाँ, आगे सब चल अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले उसको देख लेते हैं। जैसे कि रो का फॉर्मूला, रो का फॉर्मूला अगर जिस सेल में रो का फॉर्मूला लगा है ना उसका रो नंबर देता है, रो फॉर्मूला रो नंबर देता या है फिर किसी सेल का एड्रेस दे दीजिए तो वहां का देगा। जी। ऐसे ही कॉलम फॉर्मूला जिसमें लगेगा वहां का कॉलम नंबर देगा, ठीक है। अदरवाइज इसमें कोई कॉलम सेलेक्ट कर ले तो उस कॉलम का कॉलम नंबर देता है। तो एड्रेस फॉर्मूला में भी ये इस्तेमाल होने का यूज होता है सर। VLOOKUP में भी इसका यूज हम करते हैं, कॉलम को और रो को तो खासकर हम लोग एरे फॉर्मूला में यूज करते हैं, कॉलम को हम लोग VLOOKUP में भी यूज करते हैं। उसी तरह से एक रोज का फॉर्मूला होता है। रोज फॉर्मूला क्या करता है कि आप जितने रोज सेलेक्ट करेंगे काउंट बताएगा कि आपने रो कितना सेलेक्ट किया हुआ है। सेम कॉलम्स का फॉर्मूला है, ये बताता है कि आपने कॉलम्स कितना सेलेक्ट किया होगा, ठीक है सर। ठीक छोटे मोटे फॉर्मूले है, इस पे ध्यान मत दीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये फाइल में आपको भेज दूंगा, ठीक है ना सर। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये फाइल में आपको अभी मेल कर देता हूं, इसकी जरा प्रैक्टिस अच्छे अच्छे कर लेंगे।